गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन माय साइंस क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। लेसन के में जो न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को हल कर रहे हैं हम। तो आज का हमारा जो न्यूमेरिकल्स है न्यूमेरिकल नंबर 9, उस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, न्यूमेरिकल में हमारे पास एक सर्किट है। इस सर्किट में 10 ओम रेजिस्टेंस और 20 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं और सर्किट सीडी में 5 ओम और 25 ओम के रेजिस्टेंस भी सीरीज में लगे हुए हैं, लेकिन ये दोनों रेजिस्टेंस इन दोनों रेजिस्टेंस के पैरेलल अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। और इस कंप्लीट सर्किट में 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है विद एक की। इस न्यूमेरिकल में जो पूछा गया है वो पूछा गया टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो फर्स्ट जो पूछा गया है वो पूछा गया है इस टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट का, और जो सेकंड जो इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल करंट इस सर्किट में कितना है, तो आइए हल करते हैं इसको। फर्स्ट टॉपिक के लिए हम हल करेंगे 10 ओम और 20 ओम के जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लगे हुए हैं। तो इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू आर वन हमारे पास है 10 ओम और आर टू है 20 ओम। ऐड करने पर हमारे पास आया 10 20 इज इक्वल टू 30 ओम। यानी जो फर्स्ट सर्किट है ए टू बी, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 30 ओम। नाउ सेकंड सर्किट सी से डी के लिए इन सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू सी में हम निकालेंगे आर वन आर टू से आर वन प्लस आर टू इक्वल टू 5 ओम प्लस 25 ओम इक्वल टू ये आया टोटल 30 ओम। सेकंड यानी ए और बी सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है 30 ओम है और सी और डी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है वो भी 30 ओम है। अब ये टोटल 30 ओम और ये 30 ओम दोनों किस फॉर्म में आ गए, यानी पैरेलल फॉर्म में। अब निकालेंगे इन पैरेलल निकालेंगे टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल 1 / r इक्वल टू 1 / r1 प्लस 1 / R2 से। R1 हमारा आया था A B सर्किट का 30 ओम, तो 1 / R इक्वल टू 1 / 30 प्लस, और R2 आया था 30 ओम, ये भी हमारे पास 30 ओम है। दोनों का LCM 30 30 से 31 टाइम्स इक्वल टू 2 / 30 2 × 2 2 × 2 2 / 10 ये आया 1 / 15 1 / R R इक्वल टू ये हमारे पास आया R इक्वल टू 15 ओम। तो फर्स्ट आंसर तो हमारे आया ये जो क्या है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस होल सर्किट इज 15 ओम। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट पर टोटल करंट। इस होल सर्किट में करंट I की वैल्यू फाउंड आउट करने के लिए हमने अभी R यहां से फाउंड आउट किया था वो था 15 ओम। तो इस होल सर्किट में V हमारे पास है 12 वोल्ट और R हमारे पास है 15 ओम। देन I इक्वल टू फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इक्वल टू V इज इक्वल टू I इंटू R। I की वैल्यू फाउंड आउट करनी है तो I इक्वल टू V अपॉन R। V और R की वैल्यू पुट अप कीजिए, V की वैल्यू हमारे पास है 12 वोल्ट और R की वैल्यू हमारे पास है 15 ओम। 3 से डिवाइड करो इसको, 3 4 12 3 5 15 इक्वल टू 4 अपॉन 5। 5 से डिवाइड करिए 4 को, 5 8 40 इक्वल टू 0.8 टाइम्स मिल जाएगा
तो हमारे पास जो आई की वैल्यू आई है वो आई इक्वल टू आ गया 0.8 एम्पियर। यह आया हमारे पास सेकेंड आंसर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल 9 इस प्रकार से कंप्लीट हमने सॉल्व कर लिया है। तो आपको ये सही प्रकार समझ में आ गया होगा, वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। द रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम 6 ओम एंड 8 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट। फर्स्ट पॉइंट इसने कहा है ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम फॉर द एवप अरेंजमेंट, यानी ये जो रीडिंग हमारे हमें दी गई है उससे हमें एक डायग्राम बनाना है और एक सर्किट कंप्लीट करना है। तो हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है और तीनों ही सीरीज फॉर्म में कनेक्ट करने हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 4 ओम और सेकंड वैल्यू हमारे पास 6 ओम और थर्ड वैल्यू है हमारे पास 8 ओम। तीन रेजिस्टेंस अरेंज इन सीरीज विद कनेक्ट द बैटरी ऑफ 9 वोल्ट। 9 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है विद ए की। दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें सिर्फ सर्किट डायग्राम को कंप्लीट किया गया था, कंप्लीट बनाने के लिए कहा गया था। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड है फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब सेकंड में पूछा गया है कि इस पूरे सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है उसकी कितनी वैल्यू है। देखिए आई की वैल्यू निकालने से पहले हमें इस होल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इन सीरीज इज इक्वल टू आर इक्वल टू आर वन अपॉन आर टू अपॉन आर थ्री। इस फॉर्मूले से हम इस कंप्लीट सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। आर वन की वैल्यू हमारे पास 4 ओम, आर टू की वैल्यू 6 ओम और आर थ्री की वैल्यू 8 ओम। 6 और 4 में 10, 10 और 8 18। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज 18 ओम एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 9 वोल्ट, जो कि हम 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। यह है इस होल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस और हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है हमें करंट ऑफ दिस सर्किट। देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इज वी इक्वल टू आई इंटू आर। आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आई इक्वल टू बी अपॉन आर। बी और आर की वैल्यू यहां से हम ले लेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास है 9 वोल्ट और आर की वैल्यू हमने निकाली थी 18 ओम। 9 से डिवाइड करें 9 बन जाए 9, 9 टू जो 18 इक्वल टू 1.2। ये हमारे पास है आई, इसको 2 से डिवाइड करिए 1 को, इक्वल टू आएगा 0.5। तो हमारे पास आया आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ये आ गया हमारा सेकेंड आंसर। जो इलेक्ट्रिक करंट जो इसमें सो फ्लो हो रहा है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.5 एम्पियर है। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स ठीक प्रकार से सॉल्व करने आ गए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से और जो न्यूमेरिकल्स हैं इस लेसन में आप लोग करें। ठीक है, जैसे मैंने आपको सवाल समझाए हैं आशा करता हूँ इनको करने के बाद उन सवाल को, उन जो न्यूमेरिकल सेम को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसी आशा के साथ आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स।